सास ने पढ़ी कक्षा 12वीं। पाखी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी होती है, जो ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को घर आकर जरूरतमंद छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। उसकी इस खूबी से बाकी लोगों के साथ सास भी बहुत खुश होती है। तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा, बस ध्यान रखना बच्चे आधे रास्ते में कहीं भटक ना जाए। भटकने से मेरा मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है, कोई घर की जरूरत के लिए नौकरी करने लगे या किसी के घर वाले उसकी शादी करा दे, यह भी तो मंजिल से भटकना ही होता है ना। वाओ मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ाई को लेकर इतनी पर्टिकुलर हो, पर फिक्र मत कीजिए, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू की बात पर मुस्कुराकर सास चली जाती है और पाखी बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाती है। उसी रात पाखी और विराट साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बहू सास की पढ़ाई को लेकर नजरिए का विराट के सामने जिक्र करती है। हाँ मुझे सब पता है, ऐसे ही नहीं ये नालायक लड़का इतना पढ़ लिया, वो मम्मी ही तो है जिन्होंने बचपन से खाना खाया या नहीं से ज्यादा पढ़ाई किया नहीं पूछ पूछ कर मुझे इतना पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा मुझे पढ़ाई और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की इम्पोर्टेंस याद दिलाती रही, और आज मेरी ये सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी पोस्ट, उसी का तो नतीजा है। वाओ, अगर मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है तो कोई जॉब क्यों नहीं करती, और अगर जॉब नहीं करती तो मेरे साथ बच्चों को ही पढ़ा ले। तुम्हें किसने बोला कि मम्मी पढ़ी हुई है, उन्होंने तो अपनी 12th क्लास भी पूरी नहीं की, उससे पहले ही नाना जी ने मम्मी की शादी करा दी। शायद इसलिए पढ़ाई और अपने पैरों पर खड़े होने को लेकर उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो खुद ये सब करना चाहती हो। पत्नी की बात सुनके विराट भी सोच में पड़ जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगले दिन बच्चों को पढ़ाते हुए पाखी उनके पास एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगा देती है। ये एक कुर्सी ज्यादा किसके लिए लगाई है बेटा, कोई नया बच्चा आने वाला है क्या? हाँ जी, आज से मेरी एक नई बच्ची मेरे पास यानी कि मेरी सास दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली है। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है, भला ये भी मेरी कोई उम्र है बच्चों के बीच बैठकर पढ़ने की? तू बस ना इनके भविष्य पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। मम्मी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा होती है, और मुझे पता है कि आपके अंदर वो इच्छा आज भी जिंदा है। अरे तू बस अपने काम और इन बच्चों पर ध्यान दे, यहाँ बस सबको बोलने से मतलब है, किसी को नहीं सोचना, अगर बात बाहर निकली तो समाज क्या सोचेगा और परिवार का कितना नाम बदनाम होगा। मम्मी, आपने पापा और इस परिवार के बारे में बहुत सोच लिया, सबकी खुशियों के लिए अपने सपने बहुत कुर्बान कर दिए, अब ये वक्त अपने पर ध्यान देने का है, और जिस समाज की आप बात कर रही हो ना, उसकी तो आदत है हर कामयाब होते इंसान पर पत्थर मारने की। बेटी को भी बहू का साथ देते देख सास गुस्से में अपना सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ये स्टूडेंट थोड़ी जिद्दी है, पर इन्हें मैंने 12th क्लास पास नहीं कराई तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ पति पत्नी मिलकर सास को पढ़ाने के मिशन पर लग जाते हैं, लेकिन सास उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देती है। एक शाम विराट अपनी मम्मी के लिए 12th क्लास की बुक्स लेकर आता है, जिन्हें देखकर इस बार सास का गुस्सा उन दोनों पर मानो फूटी पड़ता है। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ये बेवजह की जिद पकड़े बैठ गए हो। मैंने एक बार बोल दिया ना मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, इसके बाद मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे घर में कोई जिक्र नहीं चाहिए। पोता पोथी पकड़ने की उम्र में किताबें पकड़ूंगी तो अच्छी लगूंगी क्या, अरे परिवार का मजाक बन जाएगा। मम्मी, पोते पोती आप पढ़ने के बाद भी तो खिला सकती हो। और रही मजाक बनाने वाले लोगों की बात, तो उनके पास खुद का कोई सपना होता नहीं, इसलिए दूसरों की उड़ान रोकने की कोशिश करते रहते हैं। बस एक बार माँ, आप कोशिश तो करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। बेटी की बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि थोड़े दिन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ये बोलकर मना कर दूंगी। ऐसी प्लानिंग बनाकर वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर
तुरंत वे लोग सास का ओपन से 12th में एडमिशन करा देते हैं। मम्मी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तो आपका नाम टॉपर के लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे सीधे बच्चे, इन्हें अंदाजा भी नहीं कि माँ का प्लान क्या है। पाखी सास को पढ़ाना शुरू करती है। दिन बीतते हैं, जिसमें धीरे धीरे सास भी कंफर्टेबल होने लगती है। लेकिन फिर पाखी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने का सजेशन देती है, जिस पर बहुत गुस्सा। ड्रामा करने और पाखी के लाख बार मनाने के बाद एक बार फिर सास तैयार हो जाती है। थैंक यू मम्मी, आपको नहीं पता कि आपका 12th क्लास पढ़ना हम दोनों के लिए कितना ज़रूरी है। अब ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा सपना भी बन गया है। बहू की बात सुनकर सास अपने प्लान को लेकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पाखी सास के साथ उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रही होती है, जहां रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें बैठी मिलती हैं। अरे वाह विराट की मम्मी, तुम्हारा इस उम्र में पढ़ाई का कौन सा भूत जाग गया। बहू को बोलो कि पोता पोती दे दे और बच्चों के साथ खेलो। अरे क्या उनके बीच बैठकर अपनी खिल्ली उड़वाने चल पड़ी। आंटी जी, जब सरकार या भगवान ने सीखने की कोई उम्र नहीं रखी तो आपको क्या दिक्कत है। अरे देखो तो जरा, बहू की जुबान कैसे कैंची जैसी चल रही है। अब सास घर संभालने की जगह इन सब चीजों पर ध्यान रखेगी तो बहू के तो ये हाल होने ही है ना। देखा बहू, इसलिए बोलती थी, अरे खाली दिमाग वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलेंगे गू ही बोलेंगे। उदाहरण तो तुमने अभी देख लिया। वैसे बहन, मैं तो अपना सपना पूरा कर लूंगी, लेकिन क्या यहाँ बैठकर पंचायत करने के अलावा तुम लोगों का कोई दूसरा सपना भी है। सारी औरतें चुप हो जाती है और सास बहू चले जाते हैं। अब सास के अंदर पढ़ने की इच्छा जाग उठती है और वो अपना प्लान छोड़ मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते एक साल बीतता है और बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मम्मी, एग्जाम के लिए जाने से पहले जल्दी से ये दही शक्कर खा लो। अरे चल पागल, ये सब बच्चों के लिए होता है। अभी आप भी हमारे लिए स्कूल में एग्जाम देने वाली बच्ची ही तो हो। बच्चों का प्यार देखकर सासू माँ खुश हो जाती है और दही शक्कर खाकर विराट के साथ घर से निकल जाती है, जो मम्मी को एग्जाम सेंटर पर छोड़ ऑफिस चला जाता है। इसी तरह समय बीतता है और एग्जाम खत्म होने के बाद देखते ही देखते रिजल्ट भी आ जाता है। मेरी टॉपर माँ, तुमने तो तहलका मचा दिया, हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। घर वाले ये खुशी मना रहे होते हैं कि वही औरतें उनके घर आती हैं। अरे पंचायत की टोली, आज मेरे घर कैसे। बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोलने आए हैं। उस दिन तुम्हारी बातों और आज तुम्हारे काम ने हमें ये सिखाया कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए अब हम भी शादी, परिवार, बच्चे और न जाने कितनी वजहों से अधूरे छूटे सपनों को पूरा करेंगे बहन जी।